सरबत खालसा की ओर से नियुक्त किए गए जथेदार शुक्रवार को श्री अकाल तख्त साहिब में माथा टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रस्ताव पास किए, जिनमें योग दिवस के मौके पर सिख समुदाय को सिमरन करने और खालसाई खेल खेलने की अपील की गई। श्री दरबार साहब माथा टेकने पहुंचे सरबत खालसा के जत्थे। सरबत खालसा की तरफ से थापे गए श्री अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ध्यान सिंह मन की अगुवाई में पहुंचे जत्थेदारों ने श्री अकाल तख्त साहब में माथा टेका। इस मौके ध्यान सिंह मन ने कहा कि सरबत खालसा के तीन जत्थेदारों की मीटिंग में मते पास किए गए हैं, जिसमें बरगाड़ी कांड में अब तक की कार्रवाई पर प्रदेश के गृह मंत्री से 20 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही जत्थेदारों ने खुलासा किया कि वह श्री अकाल तख्त साहब में सचिवालय बनाने जा रहे हैं। बरगाड़ी ते होर थावां उपर पंजाब विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप चोरी होए पंजाब दे गृह मंत्रालय दे मुखी होण दे नाते श्री सुखबीर सिंह बादल घटनाक्रम बारे हुण तक अपनी जांच रिपोर्ट जिहड़ी है उह 20 जुलाई तक श्री अकाल तख्त साहब दे पेश करन। तक सकत्तरेत दी गल है, कुछ दिनां तक असीं ये करन जा रहे हैं। साडे कोल जिहड़े पंथक मसलियां बारे जिवें विचारां आउंदियां ने, दरखास्तां आउंदियां ने, उहनां दे हल लई इह दफ्तर बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं, ध्यान सिंह मन ने 21 जून को योग दिहाड़े के मौके पर सिख संगत को सिमरन करने और खालसाई खेलों के साथ इस दिन को मनाने की अपील की। के फैसला लिया गया है कि योग मत दा सिख धर्म विच कोई थान नहीं है। आत्मक तौर ते तंदुरुस्त रहने लई गुरबाणी सिमरन, घोल कबड्डियां, घोड़सवारी अते गतका, शास्त्र विद्या अते हर तरह दीआं खेडां अनुसार इस दिन नूं मनाउण। सरबत खालसा के जत्थेदारों की बैठक में वर्जीनिया के गुरुद्वारे में अमृत संचार के दौरान मर्यादा को बदलने का भी सख्त नोटिस लिया गया और प्रबंधकों को 20 अगस्त तक पेश होने के आदेश दिए गए। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर।